हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है गेम प्ले के ऊपर और इस गेम का नाम है याकुजा किवामी। और ये जो याकुजा फ्रेंचाइजी, इसके बहुत सारे गेम्स हैं, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। अभी एक लेटेस्ट पार्ट इसका आने वाला है इस मंथ या नेक्स्ट मंथ, याकुजा लाइक अ ड्रैगन करके। आप चाहे तो उसको वहां से भी खेल सकते हैं, बट मैं आपको याकुजा किवामी से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। और इस गेम प्ले को मैं लास्ट वीक निकालने वाला था मेटल गियर सॉलिड 5 द फैंटम पेन की जगह, बट मैंने द फैंटम पेन को निकाला था। और द फैंटम पेन की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इनको इन गेम्स को एज अ वॉक थ्रू लेके जाऊं, ये बस एक गेम प्ले है। आप इसे एक डेमो समझ सकते हैं। मैं इसे एज अ सजेशन गेम लेके आता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी गेम खेलूं, कोई बढ़िया सी गेम बताओ या कोई गेम बताओ जो मेरे पीसी में रन कर जाए। तो याकुजा गेम जो है आपकी एक लो एंड पीसी में भी रन कर जाएंगी आराम से, और जो फैंटम पेन थी वो भी एक लो एंड पीसी में रन कर जाएंगी। तो आपको एक बढ़िया स्टोरी मिल जाती है और बहुत चीप प्राइस में आपको मिल जाती है गेम, बट मैं एज अ डेमो आप इसे लेके आ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी वन वीडियो गेम प्ले पसंद नहीं आती तो मैं एज अ लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी लेके आ सकता हूँ, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग की भी प्लानिंग कर रहा हूँ। तो आपको ऐसी वन वीडियो गेम प्ले पसंद नहीं आती तो मैं लाइव स्ट्रीम के थ्रू भी लेके आ सकता हूं। तो चलिए जो भी है इंट्रो का छोड़ते हैं और आपको गेम के बीच में आपको मैं सारी इसके फैक्ट्स और कुछ जो भी है मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि इंट्रो ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा इंट्रो बड़ा हो गया था, मेरे को भी पता है। चलिए जो भी है गेम को शुरू करते हैं। हम इसको नॉर्मल गेम में खेलेंगे, नॉर्मल रन, हम हार्ड वाले नहीं है और इजी खेलना होगा तो बेइज्जती हो जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ ये पूरी जापानीज गेम है, आपको सबटाइटल्स पढ़ने पड़ेंगे, तो ये एक नया कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो मैं मल्टीटास्क तो नहीं कर पाऊँगा, तो साथ ही साथ में उसको पढ़ते भी रहिएगा। तो याकुजा एक GTA जैसी गेम है, GTA 5 स्पेसिफिकली अगर बोल लिया जाए, बट GTA में जैसे आपको गैंगस्टर देखने को मिलते हैं, याकुजा का मतलब भी एक तरीके से गैंगस्टर ही होता है। बट याकुजा एक बहुत मतलब अच्छे काम भी करते हैं कुछ याकुजा, और कुछ याकुजा बुरे काम भी करते हैं, तो वैसा ही कुछ है ये। और मेन क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये गेम GTA सीरीज से ज़्यादा बेहतर है, तो इसका आंसर देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं तो बोल दूंगा कि हाँ भाई दोनों का लेवल एकदम सेम है, एकदम मास्टरपीस है दोनों की दोनों गेम। तो नहीं, हर किसी के लिए हर चीज़ बढ़िया नहीं होती है, और आपको खुद से खेलना पड़ेगा और आपको पता करना पड़ेगा ये गेम कैसी है। मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप ये गेम ज़रूर से खेलें। और जैसे इसमें बता रहे हैं ये अक्टूबर 1995 की गेम, मतलब टाइम स्टोरी लाइन चल रही है। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इस गेम के ओवरव्यू इन जनरल में। अभी इसके पीसी में तीन पार्ट्स अवेलेबल हैं, याकुजा 0, याकुजा किवामी एंड याकुजा किवामी 2। आप गेम को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, याकुजा किवामी से भी कर सकते हैं, याकुजा 0 से भी कर सकते हैं, बट जो याकुजा 0 है आपकी वो प्रीक्वल है, मतलब वो बहुत गेम्स के बाद उसका आया था। आप याकुजा 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं याकुजा किवामी से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को याकुजा 0 की थोड़ी बहुत स्टोरी पता है, तो मैं याकुजा किवामी से खेलूँगा, खेल रहा हूँ और इसका नाम किरियू है, ये अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है इसके अंदर। और ये गेम आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आप खेलना स्टार्ट करेंगे तो। ये थोड़ी बड़ी गेम है, मतलब इसका स्टीम में प्राइस आई गेस 150 या 170 कुछ पड़ता है। और आपको ये एक्सबॉक्स गेम पास में 50 रुपीज़, मतलब जो स्टार्टिंग मंथ है उसमें खेल सकते हो, या तो आप जो भी इसका क्या प्राइसिंग चल रहा है मेरे को याद नहीं रहता, बट हाँ जो भी है आप याकुजा को इन तीनों पार्ट को, याकुजा 0, याकुजा किवामी, याकुजा किवामी 2 को आप उसमें खेल सकते हैं एक्सबॉक्स गेम पास में। अनिकी ये अपना दोस्त है, अपना कीरियो का दोस्त है ये। हम अपने गैंग के गैंग लीडर्स होते हैं जैसे कि, और ये अपना डोजीमा फैमिली का है शिंजी तानाका, ये अपने कीरियो का फ्रेंड है। हम ल्यूटनेंट एडवाइजर हैं डोजीमा फैमिली के। और ये जो भी सबटाइटल्स हैं मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ सकता, मतलब रिकॉर्डिंग में करूँ और फिर कमेंट्री भी और वो सब, तो समझ लीजिएगा आपको खुद से थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, जो भी स्टोरी सबटाइटल्स पढ़ लीजिएगा।
तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, देखते हैं। हम समझ गए हैं। और चलो उनके शॉप में जाना है, मतलब जहाँ पे भी हम क्या कहते हैं ऑफिस में जाना है। 200 मिलियन, ठीक है। और 100 मिलियन 50-50 डिवाइड होगा फैमिलीज के बीच में, जो भी इनकी है डोजीमा फैमिली और समथिंग। चलो हम चल रहे हैं, और ट्यूटोरियल टाइप का ही है। एफ करेंगे यहाँ क्या है वो? अरे तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जहाँ पे मैं पहुँचना था, इनके ऑफिस या जो भी कहते हैं इनकी बिल्डिंग में। मेरे को यहाँ पे कट करना पड़ा था थोड़ा सा सीन, क्योंकि मैं सेटिंग्स चेक कर रहा था इसकी, तो इतना में हम यहाँ पे पहुँच ही गए थे। जो भी है,道島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。要件は昨日、うちの若いのが伝えたはずだ。じゃあ、金を借りて、ちょっと見てみよう。明日、明日まで待ってください。お願いします。一日待ってください。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません。でもそこは。いいか。ヤクザはばい、マレがいいぞ。俺、何かしたい。いい加減にしろよ。殺すんですか。何？ジャパニーズゲームの一つの特徴は、ここで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 、ここये क्या? बस सही है, ठीक है, नॉर्मल अटैक है ये तो। ओके ठीक है, नॉर्मल मारते रहना इनको। ट्यूटोरियल टाइप का ही है, ठीक है। अभी क्या करना है? राइट क्लिक, फिर लेफ्ट क्लिक, कॉम्बो रश, ठीक है ठीक है ठीक है। अबे इसने मेरे को मारा। अच्छा नॉर्मल स्टफ है, ठीक है ठीक है, कॉम्बो रश। अबे अबे इसने हमें मारा। अच्छा रुक जा, एक और बार करना है ना। नाइस, अभी ठीक है। क्यू 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 दबाना। हाँ डूम, क्या सीन है? ओके ओ भाई सही सही अटैक है, मज़ा आ गया। इसको सामान उठा सकते हैं क्या? अबे उठाना सामान उठा। ओ भाई सही है। अच्छा इनका मतलब ये अभी गए हुए हैं, इसको पकड़ो। अच्छा क्यों दबाना है? हम सीख रहे हैं भैया, सीख रहे हैं। मैं रुक जाओ, पटक दिया हमने। अबे ये हमें मार कैसे रहा है? ठीक है ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया ये वाला। ओके फिर हमें जाना है, तो कर ही लिया था हमने, पहले ही कर लिया था। गेज द हेल्थ गेज, ठीक है। ये हमारी हेल्थ गेज है उनकी? अच्छा हमारी बात चल रही है, ठीक है।
ठीक है इसको मारता हूँ पहले तो, ये अपना ही जो है बटमैन। उठ जा। अच्छा स्टाइल से भी उठा सकता, ठीक है। ओ भाई इसने इसका मारा हथियार। नाइस, अभी क्या करना है, इसको ही मारना है। जीत गए भाई। बढ़िया है, बढ़िया है। थोड़ा बहुत मैकेनिज्म थोड़ा सा पुराना ही है ना, पुरानी गेम है ये, रिमास्टर्ड होके आई थी, रीमेक होके आई थी। पैसा ब्रीफकेस अपना किरियो फुल फुल एकदम मस्त है। हमारा काम है। ओके, क्यूरियो फैमिली की बात चल रही है। ओ हमारी लीडरशिप। ओके। この後セレナで錦のおじきと会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。展開地通りの小道入って奥の階段2階です。分かってる。俺しばらくサツの連中が来ないようにここで見張ってます。ジャラエル半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ठीक है जा, पैसे लेके जा। अच्छा हमें जाना है लेके, ठीक है ठीक है। ठीक है जा रहा हूँ मैं। अबे ओके ओके ओके, ये रहा। मेरे को जाना है लेफ्ट में। हैं अभी कौन सा कटसीन आ गया? अबे हमसा क्या टकरा रहा है? अच्छा फैमिली की गर्मी दिखा रहा है बंदा। अच्छा हमें एसोल बोल रहा है, तुम्हें पता नहीं है किरियू कौन है? वन ऑफ द बेस्ट एटीट्यूड है किरियू का ऑल ऑफ द गेम में, मतलब जितनी भी बहुत सारी गेम्स में अगर आप तुम देखोगे तो। ठीक है शिफ्ट, ठीक है होल्ड। अच्छा ब्लॉक करने का है, ठीक है। अच्छा कैमरा देखना। ओके दो और अटैक ब्लॉक करने हैं इसके मेरे को। ये ले मार, यहीं से मार। ठीक है हो गया, तो पिटेगा। ठीक है WASD तो पता ही है, ये ले। ओके ई से इवेड होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके मैंने दबाया तो मारना यार। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा ऐसे है ठीक है। एक और बार करूँ? हाँ। अबे यार हम तो पिट रहे हैं यार। सॉरी जो भी इस गेम को पसंद करता है, मैं तो बड़ी गंदी तरह खेल रहा हूँ। ठीक है हमारा ड्रैगन पावर गेज हमारा जो भी है हीट गेज फुल हो गया है। अब इसको गंदी तरह मारेंगे हम क्यू, और फिर अच्छा क्यू दबा के रखना। क्या है ये? अच्छा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और फिर इसको ऐसे दबाना है। ओ सुप्लेक्स जो भी कहते हैं इसका, सुप्लेक्स ही कहते हैं आएंगे। हाँ इतनी तो WWE हमें भी देखी है, अभी भी देखते ही हैं। एक और बार हीट गेज मारता हूँ मैं इसको। अबे ये वाला क्या कर रहा है? ठीक है आर्म थ्रो,
हमें दबाने के लिए क्यों बोल रहा है? मेरे को पता दबाने वाला सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना कंट्रोलर में ना किसी में, बहुत बेकार लगता है। ग्रैब एनिमी एंड क्यू ड्यूरिंग हीट मोड, ठीक है, एंड प्रेस दिस, ठीक है, आजा तू भी अबे पकड़ना, हाँ ये ले, आ गया तू, मार वो, अबे खून निकल गया, मारू क्या? अच्छा केओ हो गया ये, स्पेस और डब्ल्यू दबाना है, अबे स्पेस दबाने की क्या, यूज क्या बोल रहा है ये? अच्छा सोल, अच्छा ठीक है, अबे बड़ी गंदी तरह मार के गया ये, बट साला हमें मारेगा। अभी क्यों पूछ रहा, पहले पूछना था ना। सुए, दोजिमा नो रियू, किरियू काजुमा चान या, ड्रैगन ऑफ दोजिमा, माजुमा नो नीसा, कैप्टन ऑफ शिमा नो फैमिली, योसे योसे, ओमोए कुमी ताची आगेरु ते हनाशी या नाई गाए, सुए, ठीक है, सोको नो मिसे यत्ता ना, ओमोए नो नाजिमी गा इरु चू नो वा, हम तो सॉफ्ट हैं। अरे बहुत, जब फाड़ने को आएगा सब फाड़ देगा। अबे जाने गया है तो बंदा गया। नहीं, सोनो हिंदे बच गया। ओमाए नो तामे नी यात्तों नो यारोंगा। मो जूबन देस कर। हो? हमसे लड़ेगा तू? एवा। お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。はいはい。はい。覚えておきます。でも。ああ？でもなんや。ファイトレガ？俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ああ、彼がとくと。マレがギャー。どんなやり方でやるっちゅんや。バッパン。俺はちゃんと筋が通ったやり方を。バープスモーラライカ。貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええー、やろいっちゃっとるか。いや、ディリーワリファイト चल रही है。兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ。ペンケ。これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと？アプナキリオマフィーマンガラハイガンパッデイバッサーレ殴り返してくげ。これで気は済みましたか？चाकू लेके आएगा? その強がりどこまで続くかの。अरे तुझे पता नहीं कितना लंबा जी लेगा ये। देख डर को देख लो, डरता नहीं है किसी से भी। सामने वाले की फाड़ देगा, इतना डरता नहीं है। आहोक्सा筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。
どう取ってもらっても構いませんですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん。わかったわ。ほな、お前はその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何？でも。もし筋が通っとったら、もう少しできたらいいかね。こうてくれるか。その時に。इसका एकदम से टोनी चेंज हो गया。よっしゃ。ほら、どないしてお前をマジにしたるか。早速作戦会議せな。行くでよ。लड़ाइयों के लिए बुलाई जा रही है。ほなまたなキルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。बढ़िया है, अजीब ही बंदा है। क्या सॉरी बोलेगा? अच्छा इसका बॉस है वो, हाँ हाँ ठीक है। मो दाइजोब नंका। अपना किरियो एकदम नरम दिल है, मगर गांड फाड़ देता लोगों की। चल, चल जाने दे। छुट्टी है। टाइम वेस्ट करवाता हमारा। कहाँ ऊपर जाना है या यहीं से जाना है? ऊपर जाना है क्या? हमें चलना। अच्छा इधर जाना है, पहले बोलने का था ना। आईकावराज़ु शिज़का दा ना। あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。お客さん？ユミは。今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ？違いね。どうなんだ、気流組の立ち上げは。アプナドース。まだ決まったわけじゃない。組長が決めるか。ラスナムがラスレリアメルスカ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。錦。またおめえに先越されちまったか。なあ、錦。お前。妹はどうなんだ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後。体が持たないそうだ。これでダメならもう。ठीक है, इसकी बहन को कोई प्रॉब्लम है, सर्जरी की बात चल रही है। あ、来てたのね。ユミ。ちょっと。ユミは、ठीक है。もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。अपने कीरियो की फ्रेंड आए। ये अंगूठी देख रहा था ना वो? हाँ, ये अंगूठी देख रहा था वो। गोमेने, किमोची दाके मुराते कु। अच्छा ये पुरानी दिखा रहा है। ओके ओके। ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎ。プラニゲームは、but फिर भी बहुत अच्छी लग रही है。え？ああ、裏カジノか。イカ様やって来たヤンキーヤクザワリチーズカシーノ。どうも性に合わねっつうか。何言ってんだ。自分の組モテるかどうかの正念場だぞ。
ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内気流組天下の登場会の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。アドバイザーリューテナント相変わらずだな、お前は。As usual. 射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつ微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやっさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか。そうだな。इसे खुद को भी नहीं पता है कुछ भी। お待ちどうさま。दारू पिएंगे। ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ？二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山くんはもう何か用意してるの？もちろん。ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな。एक लड़की को गिफ्ट देने में उसकी फट रही है, यहाँ पे ये पूरा प्लानिंग करके बैठा हुआ है। 今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。パソンとかたい。できたとらたい。え？指輪か。いいんじゃねえの。さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。リングとデイデイがじゃさめパタイヤ。ダメだ、女の好みなんてさっぱりわからねえ。リングレネチャラビギャ。しょうがないわね。あ、それじゃあ、あれなんてどう？इसे पता ही नहीं कौन से रिंग चाहिए क्या पसंद आएगा उसको लॉल नॉर्मल フランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど。कोई フレンチブランド वाली बोल रही है。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら、彼女も欲しいって言ってたわ。अच्छा, ये लोग मैगजीन में रिंग्स देख रहे थे। ने, それにしてみたら？そうだな。よし、चलो, good idea。अच्छा, ये भूल गया है। यूमी का बर्थडे था, ये भूल गया है। और अब उसे एक रिंग बाय करनी है। ला ले ला जो भी मार्शे ऑन शोवा स्ट्रीट से। ठीक है, हमें वहाँ पे जाना है। अब गेट द रिंग। ठीक है, सेविंग सेव करना है। ठीक है, ई कैसे सेव करना है हमें? सेव सेव करना है। ठीक है, क्रिएट न्यू सेव। ऑटो सेव तो हो ही जाएगा, ऑटो सेव नहीं होता क्या? अच्छा, सेव कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये तो सेव हो गया है। तो गाइस देख लीजिए, ये ऐसी कुछ गेम है, आपको ऐसा कुछ अच्छे से सीनरी मिलते हैं। थोड़ा बहुत पता नहीं मेरे से इसमें सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है आई गेस, इसलिए आपको कुछ ऐसा मिल रहा है।
तो गाइस देख लीजिए, ये गेम आपकी कुछ ऐसी है। आपको जापनीज स्ट्रीट्स मिलेंगी, आपको जापनीज सब कुछ मिलेगा। इसके अंदर आपको मिनी गेम्स मिलते हैं, गाचा गेम्स मिलते हैं, बहुत कुछ करने को मिलता है। इसके साइड मिशंस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब साइड मिशंस सब इसके मेन साइड मिशंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा, आपको मेन मिशन के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत बड़ी गेम है, आपको स्टीम में कुछ 160-170 रुपये की कुछ मिलती है, आप आराम से सेल पे इसको ले सकते हैं। और जब भी इसकी वीडियो जब भी इसकी सेल आएगी मैं आपको वीडियो में बना के बता दूंगा नॉर्मली। और मैं चाहता हूं कि आप इस गेम को आप खुद से खेले, और इसलिए मैं ऐसा गेम प्ले बना रहा हूं, एज अ गेम रिकमेंडेशन इसको समझ सकते हो। तो जो भी आपके सामने ये गेम है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे खुद से खेले, एट दी एंड आपको ही गेम बहुत बढ़िया लगेगी। चलिए जो भी है, ये गेम प्ले की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आए तो गेम प्ले को ज़रूर से लाइक करिएगा, और मैं ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, डिस्कशन वीडियो, न्यूज़ वीडियो एंड अपडेट वीडियो। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब बटन के साइड में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं डालूँ तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। और कोई कमेंट है या हेल्प चाहिए या कोई फीडबैक है तो मेरे कमेंट सेक्शन को ज़रूर से यूज़ करिएगा, या तो कोई प्राइवेटली सवाल है तो मेरे इंस्टाग्राम में आके मुझसे आप पूछ सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।